हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत अच्छे और यूनिक टिप्स लेके आई हूँ जिससे आपके समय की भी बचत होगी और आपका काम भी आसान हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। तो चलिए इन किचन टिप्स को शुरू करते हैं। ये है टिप नंबर 1। आज मैं आपको मेथी से कसूरी मेथी बनाना बताऊंगी कि आप इससे कैसे कसूरी मेथी बना सकते हैं। तो मैंने बिल्कुल फ्रेश मेथी ली है और इसकी पत्तियां हम तोड़ लेंगे। ध्यान रहे कि इसके डंठल आप अलग कर दें, बस पत्तियां ही हमें तोड़नी हैं। तो ऐसे ही करके हम सारी पत्तियां तोड़ लेंगे। अब मैंने सारी पत्तियां तोड़ ली हैं और इसके डंठल अलग कर दिए हैं। इसके डंठल हमें बिल्कुल भी नहीं लेना, इसके डंठल हमें फेंक देना है। अब मैंने एक प्लेट ली है, उसमें हम ये पत्तियों को फैला देंगे। तो एक के ऊपर एक बिल्कुल भी नहीं रखना है, इसको बिल्कुल अलग अलग हमें फैलाना है। अब इस मेथी को आप रूम में भी रख सकते हैं। रूम में 2-3 दिन लगेंगे सूखने में, या आप धूप में भी सुखा सकते हैं, पर मैंने माइक्रोवेव में सुखाया है। तो माइक्रोवेव में बस 3 से 4 मिनट लगे हैं। तो देखिए हमारी मेथी सूख गई है, ये मैंने माइक्रोवेव में सुखाई है। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप उसमें भी सुखा सकते हैं। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप ऐसे ही रूम में रख दें अंदर ही, तो 2 से 3 दिन में आराम से सूख जाएंगी। अब कोशिश करें कि धूप में ना सुखाएं। अब मैं इन पत्तियों को क्रश कर लूँगी। तो आपको जैसे भी मोटा पतला क्रश करना आप उस हिसाब से कर सकते हैं। और क्रश करने के बाद हम इसको एयर टाइट डब्बे में भर कर रख लेंगे। तो ये पूरे साल आराम से चल जाएगी। जब मेथी नहीं आती तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं, ये बड़े आराम से सूख जाती है। जब भी विंटर में मेथी ज़्यादा आती है तो आप इस तरह इसको सुखा कर रख सकते हैं। तो देखिए अब हमारी मेथी क्रश हो गई है। अब हम इसको एयरटाइट डब्बे में भर के रख देंगे। जब भी हम मार्केट से बड़ियाँ लेके आते हैं या बड़ियों को घर में बनाते हैं तो आप थोड़े दिन में देखेंगे कि इनमें कीड़े हो जाते हैं। तो इन कीड़ों से बचाने के लिए हमें क्या करना है और इसको कैसे स्टोर करना है वो मैं आपको बताऊँगी। अगर आपकी बड़ियाँ बड़ी हैं तो उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें। अगर छोटी हैं तो उसको ना तोड़े, उसको वैसे ही रहने दें। तो अब मैं अपनी बड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी। अब इन बड़ियों को हम रोस्ट करेंगे। तो छोटे टुकड़े करने से हमारी बड़ियाँ अच्छे से रोस्ट हो जाएंगी और ये ख़राब भी नहीं होंगी। अब मैंने एक पैन लिया है, उसमें 1 चम्मच ऑयल डालूँगी। हमें ऑयल ज़्यादा नहीं डालना, हमें बस थोड़ा सा ही डालना है। और इसमें हम अपनी बड़ियों को डाल देंगे और स्लो फ्लेम पर हम इसको रोस्ट करेंगे। ध्यान रखें कि इसकी फ्लेम मीडियम और हाई ना करें, नहीं तो हमारी बड़ियां जल जाएंगी। तो देखिए हमारी बड़ियां हल्की सी ब्राउन हो गई हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हमें बड़ियों को थोड़ा सा ब्राउन करना है, हल्का सा ब्राउन करना है, जिससे कि हमारी बड़ियाँ अच्छे से रोस्ट हो जाएँ और ये ख़राब भी ना हों। अब हम इन बड़ियों को ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद मैंने एक एयर टाइट डब्बा लिया है। जब हमारी बड़ियाँ ठंडी हो जाएं तो हम इस एयर टाइट डब्बे में इसको डाल देंगे। तो एयर टाइट डब्बे में रखोगे तो आपकी बड़ियाँ कभी ख़राब नहीं होंगी, ये काफ़ी दिन तक ऐसी कैसी रखी रहेंगी और आप इनको लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप इडलियाँ बनाते हैं तो उन इडलियों में से कुछ ना कुछ इडली बच जाती हैं, तो इनको दोबारा कोई भी खाना पसंद नहीं करता। तो इन इडलियों का क्या करें, मैं आपको इडली की नई रेसिपी बनाना बताऊंगी, जिसको आप बनाएंगे तो सब दोबारा खाना भी पसंद करेंगे। अब हम इन इडलियों को कट कर लेंगे। तो मैंने एक इडली के 6 पीस किए हैं, आप चाहे तो इसके 4 भी कर सकते हैं। तो मैंने छोटे छोटे पीस किए हैं, आप चाहें तो थोड़े बड़े पीस भी कर सकते हैं। ऐसे ही हम सारी इडलियाँ कट कर लेंगे। तो देखिए ये मेरी सारी इडलियाँ कट हो गई हैं। अब मैं इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब मैंने एक पैन लिया है, इसमें हम 2 चम्मच बटर डालेंगे। बटर को हम मेल्ट होने देंगे और इसमें इडलियों को रोस्ट करेंगे। हमें डीप फ्राई नहीं करना है, कुछ कुछ लोग डीप फ्राई करते हैं पर उसमें ऑयल भर जाता है, इसलिए मैं इसको डीप फ्राई नहीं करूँगी, इसको रोस्ट करूँगी। और बटर में रोस्ट करने से इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, आप चाहें तो ऑयल में भी रोस्ट कर सकते हैं।
तो देखिए अब हमारी इडली रोस्ट हो गई है, ये हल्की सी ब्राउन भी हो गई है। अब फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। अब मैंने उसी पैन में 2 चम्मच ऑयल लिया है, आप चाहें तो फिर से बटर भी ले सकते हैं। ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाए तब हम इसमें थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा सरसों डालेंगे। तो मैंने एक साथ ही दोनों डाल दिए हैं। अब ये थोड़ा सा चटकने लगेगा तब इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे और इसके बाद हम प्याज डालेंगे और इनको थोड़ा सा भूनेंगे। हमें इसको ज़्यादा नहीं भूनना, बस थोड़ा सा ही हमें भूनना है। थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसमें कड़ी पत्ते डालेंगे। तो मैंने बहुत सारे कड़ी पत्ते डाले हैं और इनको पतला पतला चॉप कर लिया है। आप चाहें तो कड़ी पत्ते को पहले भी डाल सकते हैं। जब ये थोड़ा सा भुन जाए तब मैंने इसमें टमाटर प्यूरी डाली है। तो ये प्यूरी मैंने बना के फ्रिज में रखी थी, वो मैंने इसमें डाली है। तो आप चाहें तो फ्रेश टमाटर की प्यूरी बना के मिक्सी में पीस के आप इसमें डाल सकते हैं। यह टमाटर को पतला पतला चॉप करके भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसको हम थोड़ी देर भून लेंगे। जब हमारी प्यूरी अच्छे से भुन जाए तब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तो मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है जिससे इसमें अच्छा कलर आ जाएगा, और थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। इसको भी हम भूनेंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, जो हमारा मसाला था वो थोड़े ग्रेवी बन जाए। बस थोड़ा सा बॉयल आने देंगे, उसके बाद हम इसमें इडली डालेंगे। हमने मसाले में पानी इसलिए डाला था कि जिससे उसमें थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए, जब हम इडलियाँ डालें तो सारी इडलियों में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक हमने पहले नहीं डाला, आप चाहें तो नमक ग्रेवी में डाल सकते हैं पहले ही। अब इसमें हम थोड़ा सा टोमेटो सॉस डालेंगे। टोमेटो सॉस से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो इसलिए आप इसको ज़रूर डालें। आप इसमें चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम इसको मिक्स कर देंगे। तो देखिए हमारी ग्रेवी का कलर कितना अच्छा है, एकदम रेड आया है। हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी इसलिए इसका कलर एकदम रेड आया है। आप चाहें तो नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम इसको सर्व करेंगे। अब मैंने एक प्लेट ली है, उसमें सारा मैं डाल दूंगी। तो इसमें ऊपर से आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा तिल डाला था इसमें, जिससे कि ये दिखने में बहुत अच्छा दिखता है, पर आपके पास अगर ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी ये टिप्स आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।